धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार तपती हुई गर्मी में जहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गांव गांव गया और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम पढ़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत, और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते पे हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। मैंने अपने करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब दो जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी मैं विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे रही है। वो हम लोग तय कर लेंगे, फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का ओवर वोट बढ़े। अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां जो भरी नहीं रही हैं उनको भरा जाएगा और जो आरक्षण है उसका भी पूरी तरीके से पालन होगा। सवाल वो नहीं है किसको दिया गया, वो किसी को देगी नहीं सरकार कुछ, जब 10 साल में जीवन नहीं लोगों का बदला। सर सार्वजनिक मंचों से हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी के, अब वो बात, उनको सबक मिला है, जनता ने उन्हें हरा दिया है। मैं समझता हूँ वो उनके भाषण में और व्यवहार में भी सुधार आएगा।
मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों को और उनके जो अधिकार है उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी, लाइए फूल माला।